महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पहले वनवास और फिर अज्ञातवास पूरा करने के लिए पांडवों ने जब राज्य में हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने जमीन का एक टुकड़ा तक देने से मना कर दिया था। दुर्योधन के अंदर काफ़ी अहंकार आ गया था। उसने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था बजाय भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण युद्ध की विभीषिका का पहले से आभास था। ऐसे में उन्होंने युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया। श्री कृष्ण ने पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वो पांडवों को 5 गांव ही देकर संधि कर ले, परंतु भट्टधर्मी दुर्योधन ने उनकी सब बातें अस्वीकार कर दी। इतना तक तो ठीक था, लेकिन दुर्योधन अहंकार में इतना चूर था कि उसने श्री कृष्ण को पकड़ कर कारागार में डालने का निश्चय कर लिया। दुर्योधन की यह बात जानकर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे मूर्ख दुर्योधन, तू मुझे अकेला मान रहा है, इसलिए मेरा तिरस्कार कर रहा है। तू मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। अब मैं तुझे अपना वास्तविक रूप स्वरूप दिखाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। श्री कृष्ण की इस विराट रूप में विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्र देव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। आदित्य, सात्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदंग, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन प्रकट हो गए। उनकी दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल, सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग, संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे उनका दर्शन करने में समर्थ हो सके थे। तब धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधन हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विश्व रूप का दर्शन करने के लिए धृतराष्ट्र को भी नेत्र प्राप्त हो गए। तो कैसी लगी ये आपको जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।